फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत और आसान डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी जेंट्स प्रोजेक्ट में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बेहद अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, तो स्पेशली ये बिगनर्स स्पेशल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए और डिज़ाइन चार लाइन में कंप्लीट होता है, तो इन्हीं चार लाइन को हमें बार बार रिपीट करना है, जिससे ये खूबसूरत पैटर्न बनता चला जाएगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं। आप दो के मल्टीपल में कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। सबसे पहले हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुनना चाहें तो सीधा बुन सकते हैं, स्लिप करना चाहें तो स्लिप कर सकते हैं। तो सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है, वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो का एक किया, यानी एक फंदा घट गया। फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो तीसरी लाइन में हम दो दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे और बैक लूप से उन्हें दो का एक करते जाएंगे सीधा बनते हुए। दो का एक किया, दो फंदे को लिया, बैक लूप से दो का एक किया, दो फंदे को एक साथ लिया, बैक लूप से दो का एक किया, दो फंदे को एक साथ लिया, बैक लूप से दो का एक किया। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनें। तो इस तरह हमने सभी फंदों को बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब हमने यहाँ पे दो दो फंदों को एक किया था, यानी हमारे फंदे घट गए थे। तो चौथी लाइन में हम फंदों को बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ऊन को दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, पहले और दूसरे फंदे के बीच में ये जो थ्रेड है, इसे हम उठाएंगे और इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा। तो यहाँ पे एक फंदा घटा था, एक फंदा बैलेंस हो गया, अब इसे गिरा। अब फिर दो फंदों के बीच में ये जो थ्रेड है, देखिए ये जो थ्रेड है, इसके नीचे हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे। अगला फंदा जो सिलाई पे है उसे सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट ये जो थ्रेड है, इसके नीचे ऐसे हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे और फिर सिलाई पे जो फंदा है उसे भी हम सीधा बुनेंगे। सिलाई के फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो जो हमने तीसरी लाइन में फंदे घटाए थे, चौथी लाइन में वो फंदे बैलेंस होते जा रहे हैं।
एक फंदा सिलाई पर से सीधा और एक फंदा दो फंदों के बीच में जो थ्रेड है उसमें सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत डिजाइन है। तो अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो सेकंड लास्ट को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम फंदा नहीं उठाएंगे क्योंकि हमने पहले ही फंदा उठा लिया है, तो अगर यहाँ पे भी हम फंदा उठा लेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा, इसलिए लास्ट वाले में हम फंदा नहीं उठाएंगे बल्कि ऊन को अपनी ओर करेंगे और एज स्टिच इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और फिर पांचवी लाइन हमारा पहले लाइन की तरह होगा, यानी सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो पांचवी लाइन हमारा, इन्हीं चार लाइनों को हमें रिपीट करना है, तो पांचवी लाइन में हमने सभी फंदा सीधा बुन लिया। देखिए डिजाइन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो चलिए, पहली लाइन में हमने सभी फंदे को सीधा बुन लिया। छठी लाइन यानी दूसरी लाइन है ये, तो इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है, तो तीसरा लाइन और चौथा लाइन मेन है, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। दो दो फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करते जाएंगे। तो हमने तीसरी लाइन में दो दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे हमारे फंदे आधे हो गए हैं, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और दोनों फंदों के बीच का ये जो थ्रेड है इसे उठाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर सिलाई वाले फंदे को सीधा, नेक्स्ट दोनों फंदों के बीच वाले ये जो थ्रेड है इसे हम उठाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को सीधा। एक बार हम नीचे से सीधा बुनेंगे, एक बार फंदे को सीधा बुनेंगे। दो फंदे के बीच का जो थ्रेड है उसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। एक बार फंदे को सीधा, एक बार दोनों फंदों के बीच में जो थ्रेड है इसे उठाएंगे और इसके नीचे सिलाई डाल के यहाँ से एक फंदा बना लेंगे। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो सेकंड लास्ट को सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। मैं थोड़ा बना लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ा सा बना लिया है, अब आपको डिज़ाइन स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा यह डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।